हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ मेरे शेफलेरिया प्लांट के बारे में। और ये जो प्लांट है ये वेरीगेटेड है, दो कलर में आता है। देखिए, इसके पत्ते दो कलर में हैं और ये प्लेन भी आता है, पूरा ग्रीनिश जो पत्ता होता है इसका वैसा भी आता है। और फ्रेंड्स देखिए, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसा कोई फ्लावर के पेटल जो होते हैं वैसा ही दिखता है। तो इंडोर रखने के लिए भी बहुत सुंदर पौधा है। सिर्फ इंडोर रखने के लिए आपको इसे अच्छे से पॉट में लगाना होगा, और आउटडोर भी आप इसे रख सकते हैं। लेकिन आउटडोर की अगर बात करें तो जहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की धूप आती हो तो वहाँ पे ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। पूरा दिन इसे धूप नहीं चाहिए। और अप्रैल तक मैंने इसे ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे 2 घंटे इसे धूप मिलती ही थी। और बाद में क्या हुआ, जब मई शुरू हुआ तब से ऐसे बर्निंग हो रही थी उसकी लिप की, तो इसलिए मैंने इसे घर में रखा है जहाँ पे पूरी तरह लाइट इसे मिलती हो। तो इंडोर भी आप रख सकते हैं इसे, पूरी तरह से जहाँ पे लाइट मिलती हो, या तो खिड़की के नीचे रख के, और बालकनी में भी आप इसे रख सकते हैं जहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे की धूप आती ही हो। और फ्रेंड्स, वाटरिंग का तो ये है, समर में आप इसे 2 टाइम भी वाटरिंग कर सकते हैं। अगर इंडोर रखा हो तो 1 दिन बाद भी कर सकते हैं, और अगर आउटडोर रखते हो तो पूरा पानी सूख जाता है इसका, तो 2 टाइम इसे पानी चाहिए। और जब 35 से आगे टेम्परेचर जब हो जाता है तो इसे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बर्निंग हो जाती है लिप की। तो अच्छी बात है कि आप इसे शेड में ही कुछ दिनों तक, मई जब तक चालू है, हमारी बारिश शुरू हुई उसके बाद ही इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट धूप में इसे निकाल सकते हैं। तो तब तक अभी तो 1 महीना सभी प्लांट को जो है बचा के रखना ही है, शेड में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेड अप्लाई करना है। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, और फ्रेंड्स इसकी छोटी सी कटिंग, ऐसे इतनी कटिंग भी चल जाती है। अगर मैंने इसे यहाँ से काट के लगा दिया तो वो भी कटिंग चल जाती है। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है तो फेब्रुवरी से बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। अभी तक इसे नए नए पत्ते आते हैं, ये देखिए आ रहे हैं अभी, ये देखिए ये भी न्यू लीफ है इसके, यहाँ पे भी है। पूरे शेड में तो ऐसा एक भी पत्ता नहीं आता इसका, सिर्फ अच्छी तरह से रहता है और इसके पत्ते हैं वो भी अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन नई ग्रोथ नहीं होती। और इसका सॉइल मीडिया जो है फ्रेंड्स, तो सॉइल मीडिया के लिए 50% जो है कोकोपीट और 50% जो है, मतलब 50-50% कोकोपीट और सॉइल का यूज़ करना चाहिए। थोड़ी अगर आपने सैंड भी यूज़ की तो भी इसकी रूटिंग फॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे है। और फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट हो उसे तो हमें शॉरिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते में चमक आ जाती है और ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से देता है ये प्लांट। और ब्रीदिंग भी अच्छी तरह से करता है जब हम इस पे डेली एक बार शॉरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी एट होम।